स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आगे अपनी एजुकेशन ओपन या डिस्टेंस के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है इग्नू, जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखो, इग्नू से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैं आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम इग्नू क्यों पड़ा। इग्नू इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। देखो, इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1985 विद बजट ऑफ ₹20 मिलियन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि इस यूनिवर्सिटी को कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था और जब इसे एस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय क्या बजट एस्टिमेटेड था इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए। देखो, ये जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी। इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन 1985, तो आपको पता होना चाहिए ईयर था 1985 और इस यूनिवर्सिटी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करते समय 2 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, 20 मिलियन इज इक्वल टू 2 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स एम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज एंड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्स बाय डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। देखो, इग्नू का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज। ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज का मतलब क्या हुआ? जो लोग वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनकी एक्सेस एजुकेशन तक नहीं होती, लेकिन डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन के थ्रू उनकी स्किल डेवलप की जा सकती है, उनकी नॉलेज को एनहेंस किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका एक एम और भी था कि जो लोग वर्किंग क्लास में हैं, यानी जो पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई और अब वो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को भी ओपन के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ इग्नू ने उन बच्चों को भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो 12th पास आउट होने के बाद अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो इस तरह के जब बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के थ्रू बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें डिग्री भी मिल जाएगी, उनका साल भी वेस्ट नहीं होगा और वो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर लेंगे। तो क्लियर हुए आपको इग्नू के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, इग्नू का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो डिस्टेंस और ओपन के थ्रू अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर सकते हैं। दूसरा, जो सोसाइटी के डिसेबल्ड हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो भी घर बैठकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी डिग्री भी ले सकते हैं, क्योंकि ओपन और डिस्टेंस में जब वो एडमिशन लेते हैं तो घर बैठकर उन्हें पढ़ाई करनी होती है, कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इग्नू का यही एम था कि कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करना। जब कंट्री के पास ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रोंग होगा, पावरफुल होगा, तो वो अपने आप ही फिजिकल रिसोर्स को ऑपरेट कर लेगा। तो देखो, जब भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में हम लाना चाहते हैं
तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फिजिकल रिसोर्स को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ही रिक्वायर्ड होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट है, अगर ह्यूमन रिसोर्स पावरफुल है, तो वो अपने आप ही फिजिकल रिसोर्स को ऑपरेट कर लेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इग्नू इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच हैज एक्टिव एनरोलमेंट ऑफ ओवर 4 मिलियन स्टूडेंट्स एंड क्लेम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। देखो इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है। क्यों इस यूनिवर्सिटी को हम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्लेम करते हैं? क्योंकि देखो इस यूनिवर्सिटी में 40 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। सिर्फ इंडिया में ही एनरोलमेंट नहीं है, अब्रॉड के स्टूडेंट्स का भी इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट है। इस यूनिवर्सिटी में 4 मिलियन स्टूडेंट्स का एक्टिव एनरोलमेंट होने की वजह से इसे क्लेम किया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। देखो जब इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था तो 1987 में अप्रोक्सीमेटली 4,500 स्टूडेंट्स का यहाँ एनरोलमेंट था, लेकिन अब यहाँ पर 40 लाख स्टूडेंट्स का एक्टिव एनरोलमेंट है। इसलिए एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू को क्लेम किया जाता है। क्लियर? अब देखो इस यूनिवर्सिटी को लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर करने के और भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट हैज 21 स्टडी स्कूल्स, 67 ओरिजिनल सेंटर्स, 2,667 स्टडी सेंटर्स, 29 ओवरसीज सेंटर्स। देखो इग्नू में 21 स्टडी स्कूल हैं, 67 ओरिजिनल सेंटर हैं, 2,667 स्टडी सेंटर हैं और 29 ओवरसीज सेंटर है, यानी आउटसाइड कंट्रीज भी इसके सेंटर हैं, जो 29 सेंटर्स हैं, और 15 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इसके स्टडी सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो देखो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि इग्नू एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसके स्टडी और रीजनल सेंटर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि आउटसाइड इंडिया भी अवेलेबल है। क्लियर? अब देखो अब इसके मेथड्स मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो पढ़ाई होती है वो कैसे होती है। इट डज नॉट फॉलो क्लासरूम टीचिंग मेथड्स, स्टूडेंट्स हैव टू लर्न थ्रू सेल्फ स्टडी मटेरियल, काउंसलिंग सेशन और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे ऑफ एवरी वीक। देखो ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें क्लासरूम टीचिंग मेथड फॉलो नहीं किया जाता जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं और स्टूडेंट अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग घर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं उनको किसी तरह की कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको घर बैठकर ही अपनी सारी क्वेरीज अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट करनी होती है। लेकिन जो ओपन एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं उनके लिए काउंसलिंग सेशन और टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ क्लासेस कंडक्ट की जाती है हर सैटरडे और संडे ऑफ एवरी वीक। जो भी बच्चों की क्वेरीज होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, वो सैटरडे और संडे अपने स्टडी सेंटर में जाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ जो एजुकेटर्स होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बच्चों की क्वेरीज वो इजिली सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये मैंडेटरी नहीं है कि उनको क्लासेस अटेंड करनी जरूरी है, ये उनकी अपनी खुद की मर्जी होती है कि वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं या फिर वो अपनी एजुकेशन अपने लेवल पर ही अचीव करना चाहते हैं, ये उनकी अपनी पर्सनल डिजायर होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्सेज।
It offers more than 200 programs at certificate, diploma, degree and doctoral level via open and distance mode of learning. देखो इग्नू 200 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करता है. अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं या आप कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, उस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो मैंडेटरी है वो ये है कि जो कोर्स होगा वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू होगा. यानी पढ़ाई आपको अपने लेवल पर ही करनी होगी, घर बैठकर आपको पढ़ाई करनी होगी. या फिर अगर आप ओपन से करते हैं तो सैटरडे संडे आप क्लासेस लेकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके कोर्स में डाउट है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि आपको रेगुलर में अपनी चॉइस का कोर्स नहीं मिलता या फिर ऐसे हो जाता है कि एज निकल जाती है और आप जो कोर्स कंटिन्यू करना चाहते थे वो आप रेगुलर में नहीं कर पाए. देखो इग्नू में क्या है कि कोई भी एज बार नहीं है, यहाँ पर कोई एज की लिमिट नहीं है, हर एज का इंसान यहाँ पढ़ाई कर सकता है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू. तो समझ आया? तो यहाँ पर 200 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करता है इग्नू, जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परस्यू कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी क्या है कि जो पढ़ाई होगी वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू होगी. क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ एडमिशन प्रोसेस. इग्नू एडमिशन इज कंडक्टेड इन टू साइकिल, जुलाई सेशन एंड जनवरी सेशन. एडमिशन आर मेनली बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री, बट फॉर फ्यू कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड लाइक MBA, BEd, BSc नर्सिंग, MPhil एंड PhD. देखो एडमिशन प्रोसेस जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इग्नू में एडमिशन एक साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है. देखो एक होता है जुलाई सेशन और दूसरा होता है जनवरी सेशन. हर यूनिवर्सिटी में आपको एक साल में ही एक बार एडमिशन मिलेगा. लेकिन इग्नू का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको एक साल में दो बार एडमिशन मिल सकता है. आप जुलाई सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं और जनवरी सेशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं. सपोज किसी कारणवश आप जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं ले पाए तो आप जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा, आपको 6 महीने बाद ही यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा. तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है. दूसरा, यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं They are based on aggregate obtained in qualifying degree. यानी यहाँ पर आपको qualifying degree में जो आपके aggregate marks आए हैं उसके base पर admission easily मिल जाता है. Suppose आप bachelor's में admission लेना चाहते हैं, आप BA English आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो इसमें admission लेने के लिए आपकी 12th की मार्कशीट चेक की जाएगी, आपका 12th का सर्टिफिकेट एग्जामिन किया जाएगा कि आपने 12th पास आउट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से की है या नहीं. इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाएगा कि आपके 50% स्कोरिंग होने चाहिए. देखो क्वालिफाइंग डिग्री के बेस पर ही यहाँ पर हर कोर्स में एडमिशन इजीली मिल जाता है. लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जैसे MBA, BEd, BSc नर्सिंग, MPhil और PhD. अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा. जैसे सपोज आप MBA करना चाहते हैं तो MBA के लिए आपको ओपन मैट एग्जाम पहले क्लियर करना होगा, ये एंट्रेंस एग्जाम है. अगर आप BEd करना चाहते हैं तो BEd के लिए भी आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको BEd में एडमिशन मिल सकता है. इसी तरह BSc, MPhil और PhD अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा. क्लियर? तो समझ आया आपको एडमिशन प्रोसेस? एडमिशन प्रोसेस में जो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि साल में दो बार आपको एडमिशन मिल सकता है. आपको जुलाई सेशन में भी एडमिशन मिल सकता है और जनवरी सेशन में भी. दूसरा,
यहाँ एडमिशन मेनली क्वालिफाइंग डिग्री के बेस पर होता है। कुछ ही ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स हैव 30% वेटेज इन ईच इग्नू प्रोग्राम एंड टर्म एग्जाम हैज 70% वेटेज। इट इज कंपल्सरी टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट। इफ फेल कैंडिडेट कैनोट अटेंड टर्म एग्जाम। असाइनमेंट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन ग्रेड कार्ड। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इग्नू में असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देने होते हैं। देखो इग्नू में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें असाइनमेंट और टर्म एग्जाम इन दोनों की वेटेज डिफाइन की गई है। असाइनमेंट की 30% वेटेज दी गई है और जो टर्म एग्जाम होते हैं उसकी 70% वेटेज दी गई है। इग्नू में असाइनमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। इग्नू असाइनमेंट लेता है, इसका स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ पर 30% वेटेज है असाइनमेंट की। हर इग्नू के प्रोग्राम में जो भी इग्नू के कोर्सेज होते हैं हर कोर्स में 30% वेटेज है और स्टूडेंट को असाइनमेंट देना कंपलसरी होता है। टर्म एग्जाम होते हैं 70% वेटेज के। सपोज आपका 100 नंबर का पेपर है तो 30% तो उसमें असाइनमेंट के हो जाएंगे और 70% आपके टर्म एग्जाम के, यानी 30 नंबर तो आपके इंटरनल के हो गए और 70 नंबर आपके फाइनल एग्जाम के हो गए। तो अगर आप असाइनमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, यानी आप बहुत अच्छे असाइनमेंट देते हैं और आपको 30 में से 30 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं तो आपका फाइनल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में ऐड किए जाते हैं। तो देखो इट इज कंपल्सरी टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट बिफोर ड्यू डेट। एक ड्यू डेट दी जाती है, उससे पहले इग्नू असाइनमेंट सबमिट करने कंपल्सरी होते हैं। जो भी इग्नू के स्टडी सेंटर है वहाँ पर असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं, लेकिन अब कोविड की वजह से असाइनमेंट मेल आईडी पर सबमिट किए जाते हैं। हर स्टूडेंट को मेल आईडी दे दी जाती है और वहीं पर वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। अगर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं असाइनमेंट सबमिट करने में, कैंडिडेट कैन नॉट अटेंड टर्म एग्जाम, तो आपको टर्म एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये मैंडेटरी है कि आपको टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो समझ आ गया आपको एग्जाम से रिलेटेड कि यहाँ पर 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की और 70% वेटेज होती है टर्म एग्जाम की। अब देखो असाइनमेंट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, असाइनमेंट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन ग्रेड कार्ड। जो भी आपको ग्रेड कार्ड मिलेगा उसमें आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड होगा अगर आपने बेस्ट असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो। क्लियर। अब आ जाता है फी रेंज। फी रेंज एट इग्नू इज मोस्ट अफोर्डेबल ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कोर्सेज। देखो इग्नू की जो फी रेंज है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, हर स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हाईली फीस चार्ज की जाती है, लेकिन इग्नू में एक नॉमिनल फीस है, अफोर्डेबल फीस है ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपको एक नॉमिनल फीस, अफोर्डेबल फीस चार्ज की जाएगी। जैसे बीए इंग्लिश की फीस है 8,700 फॉर 3 ईयर्स, पूरी बीए कंप्लीट करने की आपकी 8,700 फीस है अगर आप बीए इंग्लिश करते हैं, यानी पर ईयर आपकी फीस हो जाती है 2,900 रुपीज, जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ फी कंसेशन भी देता है इग्नू टू एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, रूरल स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, अर्बन स्टूडेंट्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो यहाँ पर फी कंसेशन और फी एग्जम्पशन भी है, स्टूडेंट्स उसे अवेल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है उसे फी कंसेशन और फी एग्जम्पशन मिलता है। इसके साथ साथ जो रूरल स्टूडेंट्स हैं और वो वीकर सेक्शन में आते हैं उनको भी कंसेशन मिलता है, और जो अर्बन स्टूडेंट है लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन है
वो भी फी कंसेशन की रेंज में आते हैं। लेकिन मैंडेटरी ये है फी कंसेशन अवेल करने के लिए इनसे रिलेटेड इन्हें एक वैलिड सर्टिफिकेट अटैच करना मैंडेटरी है। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कैंपस प्लेसमेंट। इट हैज कैंपस प्लेसमेंट सेल जिसे हम सीपीसी बुलाते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 2005। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन स्टूडेंट एंड रिक्रूटर्स एंड कंडक्ट वेरियस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स एंड जॉब ऑफर्स फ्रॉम बिग कंपनीज। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इग्नू एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत अच्छे ऑफर आते हैं, उनका कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाता है क्योंकि इग्नू ने सीपीसी एस्टेब्लिश की है 2005 में। देखो सीपीसी का मतलब क्या है, कैंपस प्लेसमेंट सेल। इस सेल का क्या काम है कि ये स्टूडेंट और रिक्रूटर इन दोनों के बीच एक लिंक का काम करती है। ये कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करती है, बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर कंडक्ट करती है, यानी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ से टैलेंट हायर करती है। जो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई के दौरान ही उनको बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर मिल जाते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो यहाँ बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनीज टैलेंट हायर करती है, यहाँ से ग्रेजुएट्स को हायर करती है और कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इग्नू में स्टडी करने के बाद आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट सेल 2005 में एस्टेब्लिश की गई है और आपको पढ़ाई के दौरान ही बहुत अच्छी कंपनी से नौकरी के ऑफर मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है क्योंकि इग्नू एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी है। क्लियर। तो होपफुली सारे की पॉइंट्स इग्नू से रिलेटेड आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।